हे गाइस व्हाट्सएप ये रोजी मैं चैनल टी टेक और नाउ तुम्हें और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 11 को बिना अपग्रेड किए यानी कि आप मतलब जैसे विंडोज 10 यूज़ कर रहे हो 7 यूज़ कर रहे हो 8 यूज़ कर रहे हो तो आप अपग्रेड करके यूज़ करोगे, आप अपडेट मारोगे तभी होगा विंडोज 11 आपके पीसी में इंस्टॉल। तो बिना अपडेट किए कैसे आप विंडोज 11 का यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली आप फुल फीचर यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि एक प्रीव्यू होगा, ठीक है, एक मतलब आपको क्या कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का अपडेट के बाद आपका पीसी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने ये रिवील किया है कि विंडोज 11 अक्टूबर 5 को रिलीज होगी और एक धोखा उन्होंने दिया कि माइक्रोसॉफ्ट मतलब जैसे कि जून 24 को जो रिलीज डेट था विंडोज 11 का, उन्होंने उस दिन कहा था कि एंड्रॉयड ऐप सपोर्टेड होगी विंडोज 11, लेकिन नहीं है। जो मतलब जिस दिन लॉन्च होगी अक्टूबर 5 को ऑफिशियली, उस दिन मतलब एक ऐसा न्यूज़ आया इंडियन एक्सप्रेस ने दिया कि एंड्रॉयड सपोर्टेड नहीं होगी। तो अब इस बात में कितना सच्चाई है या कितना झूठ वो तो उसी दिन पता चलेगा। मीनवाइल मैं आपको बता, तो भाई सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है कोई सा भी, जैसे कि आप क्रोम ही ओपन करोगे मुझे पता है, और यहाँ पे आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, उस पर सॉरी उस पर आपको टैप करना है, यानी कि उस लिंक पे जाना है। मैं उतना लिखूंगा नहीं, मैं इसको कॉपी कर चुका हूँ। तो यही रहेगा विंडोज 11 सॉरी विन 11 प्लस ब्लू एज डॉट मी, एक्चुअली 11 के बाद डॉट है, सॉरी ठीक है प्लस नहीं है डॉट है, जबान फिसल गई। तो ये डालने के बाद आपको एंटर कर देना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विंडोज 11 इन रिएक्ट, और यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में क्योंकि ये आपको एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस रहेगा कि कैसा कैसा रहेगा अपग्रेड के बाद आपका पीसी कैसा हो जाएगा उस टाइप में। तो यहाँ से मैं कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को कट कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अभी बाद में ही मिलेंगे, कट मैं करूँगा, मुझे टाइम सॉरी वेट करना होगा आपको नहीं। तो ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स लगा, पता है ज़्यादा नहीं लगा लेकिन लगा। तो ओपन हो चुका है, देखो मेरा वेब ब्राउज़र, देखो यहाँ पे देखो क्रोम खुला हुआ है, देखो ऐसा ही कुछ रहेगा, ठीक है, ऐसा टास्क बार तुम्हारा हो जाएगा, फिर इंटरफेस ऐसा रहेगा। और यहाँ पे जो तुमको ऐप्स दिख रहा है इसको तुम यूज़ तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम ऐसा देख सकते हो कि इसी टाइप का रहेगा, एक प्रीव्यू तुमको मिल जाएगा, एक एग्जांपल टाइप का रहेगा कि इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो ये जो आया इससे लाखों सॉरी क्या कह सकते हैं इसको, इससे बहुत डिफरेंट है जो कि रियल विंडोज़ का है। तुम देखो उसमें मिनिमाइज करके तुमको रियल वाला दिखाता हूँ, अगर मैं अपनी जो मेन है मेन होम वहाँ पे अगर आगे करता हूँ तो देखो कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, लेकिन वही चीज़ तुम यहाँ देखो, इसको ये करने दो, हाँ वही चीज़ देखो यहाँ पे कैसा है, ये विंडोज 10 का पूरा है, ठीक है। यहाँ पे तुम सारे फीचर्स को नहीं देख पाओगे कि कैसा रहेगा, लेकिन बस तुमको यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कुछ इस तरह का रहने वाला है। और यहाँ पे तुम सेम टू सेम ऐसा देख सकते हो, ये ब्लू एज नाम का कुछ रहेगा, ठीक है। मैं इस साइट को पहले भी ओपन कर चुका हूँ एक या दो बार, तो मेरे स्टार्टिंग में लॉगिन पेज नहीं आया, ठीक है, लॉगिन पेज आप में आएगा क्योंकि आप अगर पहली बार यूज़ करोगे तो आप में आएगा। और वहाँ पे लॉगिन पेज में आपको जो पासवर्ड कुछ भी डाल देना, ठीक है, जैसे मैं डाला था 1234 तो वही आप डालना, ठीक है, और उसके बाद एंटर दबाना तो आपको वो खुल जाएगा, ठीक है। आप शायद इसको मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया लेकिन शायद आप कर सकते हो। तो इसी टाइप का कुछ रहेगा आज की वीडियो में, पता है छोटी थी वीडियो लेकिन बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी हो तो ही करना, एहसान मत करना, और अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप ज़रूर बताएं कि क्या गलती हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।